नमस्कार, हम अजीत के साथ हैं। ये त्रिपुरा से हमारे पास आए हैं। इनकी उम्र है 22 साल और पिछले 10 साल से इनको ऑस्टियोमायलाइटिस यानी कि हड्डी का इन्फेक्शन है। लेफ्ट फीमर और हिप में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इनकी टांग की ग्रोथ भी कम हो गई है, मसल वेस्टिंग हो गई है, हिप ज्वाइंट खराब हो गया है और वो लंगड़ा के चल रहे हैं। अजीत, कैसे शुरू हुआ था? पहली बार कोई चोट लगी थी, गिरे थे? नहीं गिरे थे सर। क्या हुआ था? ऐसे पेड़ खेलते चोट लगी, दर्द हुआ? कुछ नहीं लगा, ऐसे रनिंग के टाइम पे। रनिंग के टाइम पे, ठीक है। ये 10 साल पहले की बात है। उसके बाद मतलब स्वेलिंग आई, रेडनेस आई, क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं? कुछ पानी आने लगा उसमें, बस आने लगा। अच्छा, तुरंत वापस गया? वापस गया, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने ये चार्ज किया, तो उन्होंने ऑपरेशन किया। तो उन्होंने क्या बताया कि अंदर पस पड़ गई है हड्डी में? इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जैसे पस आ रही है अब इसमें से, बार बार पानी आता है, ये तब से चल रहा है? 2012 से चल रहा है। 8 साल से पस आ रही है इसमें से। ऑपरेशन के बाद तो ठीक हुआ है, तो उसके बाद फिर से 1 महीने के बाद आने लग गया दो जगह से। तो पिछले 8 साल से अजीत के पैर में से पस आ रही है, ऑस्टियोमायलाइटिस है, उसकी वजह से जो बोन के अपर एंड की ग्रोथ है वो रुक गई है, बोन टेढ़ी भी हो गई है, अभी हम एक्सरे में एक्सप्लेन करेंगे, और हिप बिल्कुल स्टिफ हो गया है। और बार बार जब पस आती है तो एक रास्ता बन जाता है जिसको हम साइनस कहते हैं। साइनस के आसपास की सारी मसल्स और स्किन बोन के साथ चिपक गई है, तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है इस टाइम। हालांकि अजीत हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के लिए आए थे, लेकिन जब पस होती है हड्डी के अंदर तो उसमें हम हिप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमें पूरा इन्फेक्शन क्लियर करना है, उसके बाद इनकी एंटीबायोटिक चलेंगी। इस पूरी प्रोसेस में कुछ महीने लगते हैं, जब तक कि पस पूरा सूख नहीं जाती, इनके ब्लड टेस्ट नॉर्मल नहीं आते। जब वो सब हो जाएगा उसके बाद ही हम हिप रिप्लेसमेंट प्लान करेंगे। आप लोगों के कुछ सवाल हैं कि पूरी फैमिली साथ में है, सब लोग हमारे पास हैं, इतनी दूर आए हैं, कोई कोई मन में सवाल को पूछना चाहते हैं मेरे से कुछ? नहीं, एक्चुअली तो कुछ है नहीं। सिर्फ हम ये चाहता कि अगर इतना दूर तक आया तो पैसा खर्च किया तो सही हो जाए। सही हो जाए, जी जी। और हमने इनके साथ पूरी क्लैरिटी रखी है कि इसमें टाइम लगेगा, इसमें मल्टीपल सर्जरीज होंगी। अभी हम हो सकता है एंटीबायोटिक स्पेसर डालें, वो जब इन्फेक्शन जब हम जाएंगे सर्जरी में तो उस टाइम पर बहुत सारी प्लानिंग होती है। एग्जैक्टली क्या होता है वो हम सर्जरी के बाद ही बता पाएंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, शुरुआत कर रहे हैं, पूरे काम में 1 से 1.5 साल लग सकता है और इसमें पैसा भी खर्च होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इस यंग बच्चे को अगर हम दोबारा से एक नॉर्मल लिम्ब दे पाएँ, उसकी लंबाई बराबर कर पाएँ और ये लाइफ में अपना सारा काम कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा और हमें ये सेवा करने का मौका दिया है इस बच्चे के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो अजीत का एग्जामिनेशन में जो पहली चीज है वो है लेग लेंथ 31.5 और इधर है 30.5, अराउंड 1 इंच का डिफरेंस है, जो यहाँ भी ऑब्वियस है। अगर आप यहाँ देखें तो 1 इंच का डिफरेंस है, रादर 1.5 इंच का डिफरेंस है। दूसरी चीज, ये पैर इनका हमेशा ऐसे बाहर की तरफ गिरा रहता है, जैसे पैर बिल्कुल सीधा है तो ये फुट हमेशा इनका बाहर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक और चीज़ जो देखने की है, मसल वेस्टिंग राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अराउंड 50% का डिफरेंस है, बिकॉज इन मसल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मूवमेंट्स देखते हैं, राइट साइड में अच्छा फ्लेक्शन है, रोटेशन है, जो एक 22 साल के बच्चे में होना चाहिए। इस तरफ अजीत कितना मोड़ सकते हैं? बस इतना ही मोड़ सकते हैं। तो फ्लेक्शन ऑलमोस्ट निल है, बेसिकली पेशेंट पेल्विस मूव कर रहा है, आप देखेंगे फ्लेक्शन है नहीं और पैर बाहर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये पैर इनका हेड की तरफ जा रहा है तो ये पैर बाहर शोल्डर की तरफ जा रहा है, तो स्टिफ है। अगर रोटेशन करते हैं तो बिल्कुल कोई रोटेशन नहीं है, पूरा पेशेंट मूव कर रहा है, ये देखिए पूरा पेशेंट मूव कर रहा है। और अगर अबडक्शन रडक्शन की बात करें तो इधर पूरा पैर खुलता है इनका बाहर, लेकिन इस तरफ पूरा पेल्विस मूव करता है, जो भी मूवमेंट है नी के ऊपर है। अगर मैं इसके बियॉन्ड जाता हूँ तो पेशेंट पूरा मूव करता है, दैट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट। तो लेफ्ट साइड में शॉर्टनिंग भी लग रही है और बिल्कुल रिजिड है इनका हिप। चलिए वापस जाएं, तो इट इज स्टिफ एंड पेनफुल बोथ, उसकी वजह से लेफ्ट लेग को एक तरह से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं।
कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इंफिनिट में। पिछले 10 साल से सर्जरी हो चुकी हैं, इन्फेक्शन भी रहा है और मसल्स भी बिल्कुल स्टिफ एंड वेस्टेड हैं। आई तो एक बेसिक एक्टिविटी है जो स्टेयर क्लाइंबिंग, उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं बिकॉज लेफ्ट हिप में कोई मूवमेंट नहीं है। आ जाइए अजीत, नीचे आ जाओ। For a young boy, it's very painful. Come back. खड़े होकर देखिए इसको, तो इसको पैर को सीधा ही रखना पड़ता है। नी मुड़ता है पूरा, कितना बैंड होता है, कितना मुड़ता है बस। बिकॉज जो कॉर्डिसेप्स मसल है वो पूरे रीजन्स की वजह से चिपक गई है यहाँ पर, तो इसलिए नी की मूवमेंट भी नहीं है। तो जैसे ही मसल्स फ्री होंगी, इन्फेक्शन ठीक होगा, तो नी की मूवमेंट भी वापस आएगी। और अजीत का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे है, इसमें आप देखेंगे फीमर काफ़ी डिफॉर्म्ड है, टेढ़ी मेढ़ी सी है और नॉर्मल से वाइड है, क्योंकि इसमें बार बार इन्फेक्शन हुआ है, बार बार न्यू बोन फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें जो हेड है फीमर का, ये भी डिफॉर्म्ड है। और अगर इस पिक्चर में देखें तो एसिटेबलम भी पूरा फॉर्म नहीं है, जो सॉकेट होती है वो डेवलप नहीं है, हेड बिल्कुल भी डिफॉर्म्ड है, नेक है ही नहीं, और ये जो फीमर है ये बिल्कुल टेढ़ी है। और इसमें यहाँ से पेशेंट को बार बार पस आता रहता है, रीज़न बिंग कि ये जो पूरा एरिया है ये इन्फेक्टेड है। तो इस पेशेंट को जनरली हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जब तक इसको रेडिकली रिमूव नहीं करते हैं इन्फेक्टेड बोन को, तब तक ये ठीक नहीं होती है। अगर आप देखेंगे यहाँ से नीचे बोन का टेक्सचर काफ़ी नॉर्मल है, दैट मीन्स कि यहाँ तक इन्फेक्शन है। तो हम इस पूरी बोन को रिमूव करेंगे और इसकी जगह एक स्पेसर डालेंगे जो कि एंटीबायोटिक कोटेड होगा। यानी कि उसके दो फायदे हैं, एक तो जो एंटीबायोटिक है टिश्यूज़ में जाती रहेगी और इन्फेक्शन को ठीक करे, दूसरा जब हम बोन को निकाल देंगे तो पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत ना आए, तो स्पेसर उसका भी काम करेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने जब यहाँ तक पूरी बोन जो ये थी हेड और उसके साथ पूरी एक्सरसाइज कर दी है, जिसके आसपास का जो टिश्यू था जो इन्फेक्टेड था वो पूरा क्लीन कर दिया है, और इसमें ये नया एक स्पेसर डाला है जिसमें ये एंटीबायोटिक लोडेड सीमेंट है, पूरा अंदर तक सीमेंट डली हुई है, जिससे जहाँ भी इन्फेक्शन होगा तो ये जो सीमेंट में के अंदर जो एंटीबायोटिक है ये इसको टेक केयर करेगा। प्लस इसमें जो टिश्यू निकला है उसकी हमने कल्चर सेंसिटिविटी कराई है, उसके अकॉर्डिंगली जिस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव हो गया बैक्टीरिया वो भी मेडिसिन चलेंगी। कुछ महीने तक हम वेट करेंगे, जब इनके ब्लड टेस्ट और वुंड वगैरह सब ठीक हो जाएंगे तो फिर हम इनका फाइनल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। तो स्पेसर से पेशेंट एटलीस्ट वॉकिंग कर सकता है, वेट डाल सकते हैं और टॉयलेट जाना, अपने बेसिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके स्टिचेस भी सारे निकाल दिए हैं और जो पस आ रही थी पिछले 8 साल से वो बंद हो गई है इनकी। टर्न करो अजीत, टर्न करो। लेग लेंथ को हमने इक्वल किया है और जो सोर्स था पस का उसको हमने बिल्कुल क्लियरली इरेडिकेट कर दिया है। अब पेशेंट्स के एंटीबायोटिक चलेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, तब तक ये वुंड और इनका जो साइनस है, जो डिस्चार्ज है, वो बिल्कुल ड्राई अप हो जाएगा और उसके बाद हम इनकी फाइनल सर्जरी करेंगे। हालांकि पेशेंट बहुत तेज़ नहीं चल पाते हैं क्योंकि जो ऊपर का हाफ है, 1/3 है जो फीमर का, वो निकाल दिया है। जितनी मसल अटैचमेंट्स उसके ऊपर थी वो भी हमने एक्सरसाइज कर दी, क्योंकि इन्फेक्शन के आसपास का जितना भी टिशू होता है वो सारा कैरी करता है इन्फेक्शन को, तो अगर हम जरा सा भी टिशू को छोड़ देते हैं तो इन्फेक्शन के दोबारा होने के चांसेस हैं। अजीत आओ एक बार, तो इसलिए बहुत फास्ट नहीं चल पाते हैं बट एटलीस्ट ही कैन वॉक। अदरवाइज अगर हम सिर्फ फीमर को निकाल कर छोड़ देते हैं तो पेशेंट विल बी बेडरिडन और टांग की लंबाई छोटी हो जाएगी, और पेशेंट जितना चलता है ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने का और भी ज़्यादा चांस रहता है।